दोस्तों, सोशल मीडिया का यूज़ तो आप सभी करते होंगे। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, आज एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है वीडियोस को वायरल करके फेमस होने का, कि किसी भी एरिया में निकले हुए किसी भी खबर को अपना बताने की एक होड़ सी मची हुई है। आपसे कुछ भी साझा करने से पहले एक वीडियो हम आपसे साझा करना चाहेंगे, जो इन दिनों फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर काफ़ी चर्चित हो रहा है और लोग अपने अपने इलाके का होने का दावा कर रहे हैं। तो वीडियो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हो सकता है लोगों के व्हाट्सएप के स्टेटस पर दावे भी देखे हों कि यह हमारे इलाके के फलां इलाके में देखा गया। हमारे एरिया में ऐसे 5 जगहों पर दावे पेश किए गए, बीजापुर के इलाके में, दंतेवाड़ा के इलाके में, किरंदुल के इलाके में, बालपेट का इलाका एक है, सुकमा के इलाके में। ये अलग अलग इलाकों के लोगों ने दावा पेश किया कि ये जो 20 से 50 फीट का अजगर जिसे बताया जा रहा है, ये उनके पर्टिकुलर एरिया का है। आपकी, मनोज जी, आपकी भी टिप्पणी जाने से पहले मैं ये पूछूंगा कि वास्तव में किसी दिन अगर इनके घर के आसपास जो लोग आज दावे कर रहे हैं 20 से 50 फीट का अजगर, तो चलिए नहीं भी 8-9 फीट का भी अजगर अगर निकला है तो क्या होगा? जी, जनरली जो आजकल दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है हमारे एरिया का है या फिर ये अजगर हमारे गांव के पास का है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके घर के पास इतना बड़ा अजगर निकल के आ जाता है तो सबसे पहले मारने के लिए, उसे परेशान करने के लिए तो वो ही लोग ही आएंगे। बिल्कुल, कोई ऐसा जीव दूसरों के यहाँ निकले तो एंटरटेनमेंट और हमारे यहाँ निकले तो खतरा, बिल्कुल उसको खतरा समझ के मार दिया जाए, यही फीलिंग होती है लोगों में। मैंने जब ये वीडियो सबसे पहले देखा था तो एक IFS है, सुशांत नंदा जी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया था, और इतने बड़े अधिकारी हैं तो कुछ सोच के उन्होंने लोकेशन को छुपाया होगा, ये कहाँ का वीडियो है उन्होंने नहीं बताया। और इस मौके का लाभ लोगों ने बहुत अच्छे से उठाया, क्योंकि वहाँ लोकेशन नहीं बताया गया था, इसलिए एक होड़ से मच गई कि ये सांप हमारे यहाँ दिखा, हमारे यहाँ दिखा। जबकि अक्षय, अगर ऐसा होता कहीं पे ये सांप अगर स्पॉट होता तो इतने, मतलब अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत स्किलफुली उसको शूट किया गया है। एक तरफ से लाइट दिया गया, दूसरे तरफ से बहुत लो एंगल लेके उसको शूट किया गया, उससे साफ पता चल रहा है कि ये किसी प्रोफेशनल का ही काम है। अलग अलग क्षेत्रों की मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे टेलीविज़न मीडिया हो, सब ने अपने अपने दावे पेश कर दिए। एक बहुप्रचलित अखबार है, उसने तो दावा किया कि ये मध्य प्रदेश के किसी इलाके का है। एक मीडिया हाउस ने बताया है कि ये महाराष्ट्र के पनवेल इलाके का है। कुछ लोग इसके गोवा के होने का दावा कर रहे हैं। तो एक होड़ सी मची है सबके बीच में कि ये जो स्नेक है, इंडियन रॉक पाइथन, इसे इंडियन ना मानकर बाकी सभी स्टेट्स का माना जाए और ये ना माना जाए कि ये जो सांप है हमारे इकोसिस्टम का एक अच्छा या हेल्दी हिस्सा है। तो सांप कहीं का भी हो दोस्तों, किसी भी इलाके का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। रॉक पाइथन, जैसे कि हमने पहले भी उस पर कई सारे वीडियोज़ हमने बनाए, हमने बताया है कि रॉक पाइथन का होना किसी जंगल की सेहत को बताता है, हेल्थ को बताता है। तो सांप कहीं का भी हो, पाइथन कहीं का भी हो, रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसीलिए हमारी टीम की आप सभी से ये अपील है कि इस प्रकार के वायरल वीडियोज़ में फॉल्स क्लेम करने से बचें। उससे होता क्या है, शिकारियों का ध्यान आकर्षित होता है एक निश्चित जगह में, और भले वो पाइथन वहाँ का हो या ना हो, शिकारी अगर वहाँ पे पहुँचे हैं तो खाली हाथ लौटना नहीं चाहेंगे, वो जंगल में खोजबीन करेंगे, ढूंढेंगे, और गलती से अगर उनको वो अजगर ना मिलके कोई और स्पीशीज़ अगर मिल जाती है या कोई और अजगर मिल जाता है तो बेकार में उस जीव की जान जो है वहाँ पे चली जाती है। अमित ने शुरू में एक बात कही कि IFS सर ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें लोकेशन कुछ जान समझ के ही नहीं बताई थी, तो इसलिए ही लोकेशन नहीं बताई जाती है ताकि पोचिंग को रोक सके, क्योंकि इलीगल पोचिंग, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है इंडियन रॉक पाइथन की, उसके स्किन के लिए और फ्लैश के लिए भी काफ़ी लोग मारते हैं, इसलिए ही लोकेशन शेयर नहीं की गई। और जैसा अभी भी बताया गया कि अगर मानते हैं कि आपके इलाके का है भी, तो भी आप इस तरीके से वीडियोस को वायरल करने की गलती ना करें, क्योंकि ये उस जीव के लिए काफ़ी महंगा साबित
हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैसेज हम देना चाहते थे वो आप तक ज़रूर पहुंचा होगा, और ये कहीं की भी खबर हो अगर ये आपके इलाके की है तो आप अपने तक ही रखें, कमेंट बॉक्स में ना बताएं, और इस लोकेशन ना शेयर करें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।